हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, सर्दियां आते ही एडियो के फटने का डर सभी को सताने लगता है। एडियो के फटने का मुख्य कारण शरीर में कैल्शियम की कमी, चिकनाई की कमी, तेज सर्दी, धूल मिट्टी, खून की कमी, शरीर में खुश्की बढ़ जाना इत्यादि है। लेकिन नंगे पैर चलने और विटामिन ई तथा आयरन की कमी होने से भी एडिया फटने लगती है। यदि पैरों की देखभाल न की जाए तो एडिया कभी कभी इस कदर भी फट जाती है कि इनमें से खून निकलने लगता है, भयंकर दर्द होने लगता है और चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे घरेलू उपाय, नुस्खे, जिनसे आप एडियो को फटने से रोक सकते हैं। यदि एडिया फट गई हैं तो इन्हें शीघ्र ठीक कर सकते हैं। ये तरीके सरल तो हैं ही, इफ़ेक्टिव भी हैं। सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो दोस्तों ये जानकारी शेयर करने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, विनती है, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम तरह तरह के होम टिप्स, धार्मिक जानकारियाँ, टेक्निकल नॉलेज आदि लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करने पर हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स की जानकारी आप तक निरंतर पहुंचती है, तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर अवश्य क्लिक कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि फटी एडियो को किस प्रकार हम सिंपल होम टिप्स से जल्दी ही ठीक कर सकते हैं और उन्हें फटने से रोक सकते हैं। वैसे फटी एडियो को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, उनमें से कुछ इफ़ेक्टिव उपाय ही इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो जानते हैं कुछ इफ़ेक्टिव उपाय। फटी एडियो के लिए आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद में कई रोगों को दूर करने के प्राकृतिक गुण होते हैं और यह एक प्राकृतिक औषधि है। फटी एडियो के लिए आधा कप गुनगुने पानी में थोड़ा शहद मिलाकर लगभग 15 से 20 मिनट तक एडियो को उसमें डुबा कर रखें। फिर पैरों को तौलिए से पोंछ लें। एडिया धीरे धीरे नरम होने लगेगी और यदि फट गई है तो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। नारियल के तेल से भी आप फटी एडियो से छुटकारा पा सकते हैं। नारियल के तेल में नेचुरल मॉइस्चराइज होता है जो त्वचा को नम रखता है, त्वचा की नमी को बरकरार रखता है, त्वचा को शुष्क होने से बचाता है। तो फटी एडियो के लिए आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़े से नारियल तेल को हल्का सा गुनगुना या गर्म कीजिएगा और इसे फटी एडियो पर लगा लीजिएगा। तेल लगाने के बाद पैरों में मोजे पहनिए और सो जाइए। तो यह प्रयोग आपको रोजाना रात्रि में सोने से पहले करना है। 15 से 20 दिन तक इस प्रयोग को करने से पैरों के क्रैक्स, फटी एडिया समाप्त हो जाएगी, क्रैक्स समाप्त हो जाएंगे और एडिया मुलायम हो जाएगी, त्वचा चमकदार हो जाएगी। फटी एडियो के लिए आप ग्लिसरीन और गुलाब जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे फटी एडियो को नमी मिलती है और एडिया चमकदार बनती है। एक चम्मच ग्लिसरीन तथा 3 चम्मच गुलाब जल आपस में मिक्स कर लें और इसे फटी एडियो पर लगाएं। कुछ देर तक इसे लगा रहने दें और बाद में गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रयोग 20 से 25 दिन तक नियमित रूप से करने से फटी एडिया ठीक होने लगेगी। यदि फटी हुई नहीं है तब भी आप सर्दियों में इस मिश्रण का प्रयोग प्रतिदिन कर सकते हैं। इससे एडियो की त्वचा नरम रहती है और फटती नहीं है। पपीते के छिलके भी फटी एडियो को ठीक करने में काफ़ी मदद करते हैं। पपीते के छिलकों को सुखाकर मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ी ग्लिसरीन मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट का प्रयोग फटी एडियो पर करें। दिन में 2 बार इस पेस्ट का नियमित प्रयोग करने से फटी एडिया ठीक होने लगेगी और त्वचा चमकदार बनने लगेगी। एक प्रयोग के अनुसार गेंदे के कुछ पत्तों का रस निकाल लीजिए और इसे थोड़ी पेट्रोलियम जेली में मिला लीजिए या वैसलीन में मिला लीजिए और इस मिश्रण को फटी एडियो पर प्रयोग कीजिए। फटी एडिया शीघ्र ही ठीक होने लगेगी। कच्चे प्याज को पीसकर फटी एडियो पर बांधने से भी फटी एडिया ठीक होने लगती है। यदि एडिया कुछ ज़्यादा ही फट गई है तो रात्रि में फटी एडियो को लगभग आधा घंटे गुनगुने पानी में डुबो कर रखें, फिर गुनगुना मोम लगाकर सो जाएं। इससे भयंकर फटी एडिया भी ठीक होने लगती है।
और कुछ ही दिनों में एडिया सही हो जाती है। गाय के घी में थोड़ा नमक मिलाकर एडियो पर नियमित रूप से लगाने से भी फटी एडियो को राहत मिलती है। फटी एडियो को सही करने का एक सस्ता व सरल प्रयोग यह है कि एक पका हुआ केला लीजिए और केले के गुदे को फटी हुई एडियो पर मसल लीजिए। 20 मिनट तक इसे लगाकर रहने दीजिए और फिर इसे गुनगुने पानी से धो लीजिए। धोने के बाद इस पर थोड़ा नारियल तेल लगा लीजिए। फटी एडिया कुछ ही दिनों में सही हो जाएगी। वैसलीन में थोड़ा बोरिक पाउडर मिलाकर एडियो पर लगाने से भी फटी एडिया ठीक हो जाती है। आप चाहें तो घर पर ही आसान सरल तरीके से पेडिक्योर बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पैरों की गंदगी निकल जाए, शुष्क त्वचा समाप्त हो जाए, डेड स्किन निकल जाए और पैर सुंदर व त्वचा चमकदार लगने लगे। तो पेडिक्योर तैयार करने के लिए 2 लीटर गुनगुने पानी में 1 शैम्पू का पाउच, 1 चम्मच सोडा तथा 10-20 डिटॉल की बूंदें मिला लें। इस पानी में 20 मिनट तक पैरों को डुबो कर रखें। त्वचा फूल जाने पर मेथिलेटिक स्पिरिट लगाकर एडियो को एडी साफ करने वाले पत्थर से रगड़ें। इससे एडियो की डेड स्किन निकल जाती है। फिर एडियो को साफ पानी से धोकर तौलिए से अच्छे से पोंछ लें। एडियो पर हल्का सा नारियल तेल लगाएं या नारियल तेल से हल्की सी मालिश कर लें। तो ये थे फटी एडियो को ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय व नुस्खे। आप भी इनमें से 1 या 2 उपायों को प्रयोगों को यूज कर सकते हैं और फटी एडियो को सही कर सकते हैं या फिर एडियो को फटने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? जानकारी अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम हमारे अगले वीडियोस में सुधार कर सकें। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।